दोस्तों आज मैं आप लोगों को तुरतुरिया ले जा रही हूँ। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला के कसडोल विकास खंड से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित तुरतुरिया नामक गांव है। दोस्तों यह एक छोटी सी गांव है। दोस्तों यहां पर सीता माता का मंदिर और मरही माता का मंदिर है। दोस्तों देखिए दोस्तों ये गांव है। दोस्तों हम लोग थोड़ी देर में तुरतुरिया पहुंच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पूरा जंगल है। दोस्तों ठकुरदिया गांव पहुंच गए हैं। दोस्तों यहाँ से 5-6 किलोमीटर और है दूरी है। दोस्तों यहाँ से तुरतुरिया जाते हैं। दोस्तों यहाँ से सड़क कच्ची रास्ता है। दोस्तों देखिए ये पूरा जंगलों के बीच में है। दोस्तों यहाँ पर जांच नाका है। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी ले जाने पर 50 रुपये चार्ज किया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर नाका है। दोस्तों अब इधर से हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। दोस्तों ये जंगल का नज़ारा देखिए अति सुंदर लग रहा है। दोस्तों देखिए अभी गर्मी का मौसम है। दोस्तों तो हरा भरा कम दिखाई दे रहा है। पूरा जंगल घना जंगल दिखाई देता है। दोस्तों और यहाँ पे शेर भालू भी आते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ का जंगल का नज़ारा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों दोस्तों यह है तुरतुरिया। दोस्तों जो चारों तरफ घने जंगलों के बीच में है। दोस्तों यह जोक नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बर पेड़ का झाड़ है। दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर छोटे छोटे ठेला लगा हुआ है। दोस्तों जो अपनी सामान बेच रहे हैं दर्शनार्थियों के लिए। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर सब तुरतुरिया माता का दर्शन करने आए हैं। दोस्तों यह जोंक नदी है। दोस्तों यह मंदिर जोंक नदी के ऊपर पहाड़ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बरसात के मौसम में पूरा पानी भरा रहता है। दोस्तों यहाँ पर बरसात के दिनों में दर्शनार्थी कम आते हैं। दोस्तों क्योंकि पानी भरा रहता है यहाँ पे। दोस्तों देखिए पूरा जोंक नदी है। दोस्तों अभी यहाँ पे पानी सूख गई है। दोस्तों हल्का हल्का पानी है देखिए थोड़ा सा। दोस्तों यही है जोंक नदी का नज़ारा। देखिए दोस्तों चारों तरफ से कैसा लग रहा है। दोस्तों ये बच्चा देखिए दोस्तों पानी में खेल रहा है जोंक नदी का पानी में। दोस्तों देखिए कैसा मज़ा ले रहे हैं दोस्तों पानी का। दोस्तों यहाँ पे पौष पूर्णिमा में मेला लगता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी गर्मी के मौसम में खाली है। दोस्तों कम कम मेला लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा मेला लगता है। दोस्तों बिल्कुल खाली नहीं रहता मेला के समय। अभी गर्मी के दिनों में बिल्कुल खाली खाली है। दोस्तों देखिए यहाँ का नज़ारा जो कि अति सुंदर लग रहा है। दोस्तों घने जंगलों के बीच में यह मेला लगता है। दोस्तों चारों तरफ पहाड़ है। दोस्तों बीच में जोंक नदी है। देखिए
जो बहुत गहराई में है दोस्तों, पहाड़ों के नीचे में। यही है दोस्तों जोंक नदी। बरसात के दिनों में पूरा पानी भरा रहता है दोस्तों। यहाँ पर कोई बरसात के समय में नहीं आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ का नज़ारा दोस्तों, ये बच्चा कैसे नाच रहा है दोस्तों। कृपया इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चांद वाला मुखला ऐसे चल रही है बच्चे, चांद वाला मुखला। दोस्तों यहाँ पे गाय बैल भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो हरे भरे चारों को चरने के लिए आए हैं दोस्तों। दोस्तों ये जोंक नदी का पानी पूरा सूख गया है दोस्तों। यहाँ गाय पानी को पी रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है दोस्तों, कम कम है। गर्मी के दिनों में पूरा सूख गया है दोस्तों। दोस्तों इसमें छोटा छोटा मछली तैर रहा है दोस्तों। देखिए मछली भी है, इतनी कम पानी होने पर भी मछली है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे गाय चारा चर रही है दोस्तों। देखिए अति सुंदर लग रहा है दोस्तों। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर बंदर हैं दोस्तों। यहाँ का बंदर कुछ भी नहीं करते हैं दोस्तों। खाने के लिए दो तो खा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये लड़का लोग बंदर को खाने का दे रहे हैं दोस्तों, और वो खा रहे हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। दोस्तों आइए मैं आप लोगों को मंदिर के ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ दोस्तों, जो पहाड़ ऊपर स्थित हैं दोस्तों। अभी बहुत सारा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम ऊपर मंदिर माता के पास पहुँच पाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये पहाड़ ऊपर स्थित मंदिर जाने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर छोटा छोटा बाजार लगा हुआ है दोस्तों। मेला के समय इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है दोस्तों। देखिए यहाँ का नज़ारा अति सुंदर लग रहा है दोस्तों, जो घने जंगलों के बीच में स्थित हैं दोस्तों। इन लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ पर अपना सामान बेचते हैं दोस्तों। शाम के समय जंगली जानवर यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो शाम होने के बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शेर भालू हिरन जो भी जंगली जानवर है सभी आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। हाय गाइस, लाइक करना दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं दोस्तों, जो पहाड़ ऊपर माता रानी का मंदिर है दोस्तों, उसमें हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों यही सीढ़ी से हम लोग ऊपर जाएंगे दोस्तों, जो पहाड़ के ऊपर में है दोस्तों। पहाड़ ऊपर से नीचे का नज़ारा देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। देखिए ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है दोस्तों। अभी बहुत सारा सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ऊपर में है दोस्तों माता का मंदिर। देखिए बच्चा थक गया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर बरसात के दिनों में पूरा हरा भरा दिखाई है देता है दोस्तों।
अभी गर्मी के मौसम में बिल्कुल हरा भरा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, सब पेड़ पौधों की पत्तियां सूख गए हैं दोस्तों। देखिए पहाड़ के ऊपर का नज़ारा दोस्तों, अति सुंदर लग रहा है दोस्तों। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hi guys, like kar dena dosto. दोस्तों माता के मंदिर पर पहुंचने के लिए अभी आधा दूरी पर पहुंचे हैं दोस्तों। दोस्तों यहां पर एक और देवी है दोस्तों, जिसे वन देवी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, या मरही माता कहते हैं। ये यहां पर स्थापित है दोस्तों, पहले इसी की पूजा करते थे दोस्तों, बाद में मंदिर बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों यही है मरही माता या वन देवी, इसी की पूजा पहले करते थे दोस्तों। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऊपर का मंदिर ले जा रही हूँ दोस्तों, जहाँ पर मातागढ़ की देवी स्थित है दोस्तों। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चे लोग माता का दर्शन करके नीचे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करके नीचे आ रहे हैं दोस्तों, देखिए। पहाड़ ऊपर से नीचे का नज़ारा देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों नीचे की ओर, यह मंदिर पहाड़ ऊपर स्थित है दोस्तों। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. दोस्तों अब हम लोग ऊपर पहाड़ पर स्थित मंदिर पर पहुंच गए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों। दोस्तों यह मंदिर मातागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, कई लोग इसे सीता माता भी कहते हैं दोस्तों, लेकिन अक्सर मातागढ़ के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों यही मंदिर है दोस्तों, तुरतुरिया माता का मंदिर, देखिए दोस्तों जो पहाड़ ऊपर स्थित है। ये पहले मंदिर नहीं बना हुआ था दोस्तों, बाद में इसे एक मंदिर बना दिया गया है दोस्तों। यह खुले में स्थित था दोस्तों, अब मंदिर बन गया है, कई लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं दोस्तों। देखिए यही मातागढ़ माता है दोस्तों, जिनकी सब लोग पूजा करने आते हैं।
दोस्तों देखिए यूके सब बर्फी खा रहा है दोस्तों, देखिए और खूब खाने के साथ साथ मज़ा भी ले रहा है दोस्तों। देखिए अब यूके सब झूला पे झूलेगा दोस्तों, देखिए अब झूला का मज़ा ले रहे हैं दोस्तों। देखिए इन तीनों लोग झूला का कैसे आनंद ले रहे हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, हाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। दोस्तों माथागढ़ के मंदिर के ऊपर पहाड़ से नीचे का नज़ारा देखिए दोस्तों, जो 400-500 फीट से भी ज़्यादा नीचे गहराई है दोस्तों। देखिए कैसे लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसे भालू माड़ा कहते हैं दोस्तों, जो पहाड़ के उस पार स्थित हैं दोस्तों, जिसमें भालू शेर लोग आकर रहते थे इसी गुफा में दोस्तों। देखिए दोस्तों यही माथागढ़ मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा ऊपर से दिखा रहे हैं दोस्तों। ये नीचे है दोस्तों, जो पूरा खाई है दोस्तों, इसी पहाड़ के ऊपर में माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। चारों तरफ से देखिए दोस्तों माता का मंदिर। दोस्तों इस रास्ता से शेर गुफा जाते हैं दोस्तों, जिसे भालू मोड़ा कहते हैं दोस्तों। ये रास्ता है दोस्तों, हम लोग बहुत गर्मी की वजह से उस पार नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फिर पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, फिर पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इस रास्ते से जाते हैं दोस्तों। दोस्तों अब मैं आप लोगों को तुरतुरिया माता का मंदिर दिखा दी हूँ दोस्तों। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ ऊपर में बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। ऊपर से नीचे देखने पर देखिए दोस्तों पूरा खाई का नज़ारा कैसे लग रहा है, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। देखिए नीचे एकदम खास खाई है दोस्तों, जो कि अति सुंदर लग रहा है दोस्तों। दोस्तों गर्मी के दिनों में पूरा पेड़ पौधों की पत्तियां सूख गई हैं दोस्तों, बरसात के दिनों में यहां पे बहुत हरा भरा दिखाई देता है दोस्तों। देखिए अभी पूरा सूखा सूखा दिखाई दे रहा है दोस्तों।
दोस्तों अब हम लोग नीचे आ गए हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बैल के मुंह से पानी निकलता है दोस्तों, जो एक कुंड है वहाँ पे आप लोगों को ले जा रही हूँ दोस्तों, जिसे वाल्मीकि आश्रम कहा जाता है दोस्तों। ये है दोस्तों वाल्मीकि आश्रम जाने का रास्ता। दोस्तों यहाँ से जाने का रास्ता है दोस्तों, देखिए इसे महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लोग कहते हैं कि यहीं पर महर्षि वाल्मीकि यहीं मंदिर पे तपस्या करते थे दोस्तों। यह मंदिर बाद में बना है दोस्तों, पहले महर्षि वाल्मीकि खुले में तपस्या कर रहे थे ऐसा कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों बंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों, देखिए गर्मी के कारण बंदर लोग कहाँ घुस कर बैठे हैं आराम से दोस्तों, देखिए दोस्तों। दोस्तों यही है बैला का मुंह दोस्तों, जहाँ से बैला के मुंह से पानी निकल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों। ये है जो ऊपर पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये कभी सूखता नहीं है दोस्तों, इसमें हमेशा पानी आते रहता है। देखिए बच्चा उस पर अपना हाथ पैर धो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यही है कुंड जो पहाड़ के ऊपर से हमेशा पानी आते रहता है दोस्तों, कभी सूखता नहीं है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है दोस्तों, कोई बनावटी नहीं है। दोस्तों बंदर लोग देखिए गर्मी के दिनों में कैसे आराम कर रहे हैं पेड़ के नीचे में दोस्तों, देखिए आराम से सो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों कई लोग इसके बारे में कहते हैं कि सीता माता इसी आश्रम में रहते थे, यहीं पर लव कुश को जन्म दिया है ऐसा कहा जाता है दोस्तों, यही महर्षि वाल्मीकि आश्रम है दोस्तों। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।